जब भारत ने पाकिस्तान का मुलाकात का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, तब से पाकिस्तान एकदम पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान ने भारत से विदेश मंत्री स्तरीय मुलाकात का आग्रह किया था। भारत ने हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं के बाद पाकिस्तान से स्पष्ट तौर पर कहा कि वह आतंकी घटनाओं पर लगाम दे, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। भारत ने कहा कि आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाएं, इसके बाद ही बातचीत के रास्ते खुल सकेंगे। पाकिस्तान मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह लोकसभा चुनाव 2019 में इन फैसलों का लाभ लेना चाहती है। भारत के आतंकी घटनाओं को रोकने के कारण को पाकिस्तान ने संतोषजनक नहीं बताया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने मुलाकात रद्द करने के पीछे कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा 3 पुलिसकर्मियों की हत्या को कारण बताया है, जबकि ये घटना भारत के मुलाकात के प्रस्ताव को स्वीकार करने के 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत सरकार 2019 में होने वाले चुनावों के चलते ऐसे फैसले ले रही है। भारत पाक विदेश मंत्री स्तरीय बातचीत की खबरों के दौरान जहां BSF के हवलदार नरेंद्र कुमार का छत विछत शव बरामद हुआ था, जबकि शुक्रवार को आतंकवादियों ने अपहरण के बाद 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इनमें से 2 SPO और 1 पुलिस कांस्टेबल शामिल था।